नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार में आज हम मौजूद हैं अंधेरी विधानसभा में, अम्बोली इलाके में। अगर बात की जाए तो ये तमाम लोग आज हमारे साथ जो मौजूद हैं इस शो में, ये अपनी राय में लेकर खड़े हैं कि इनके मन में क्या कुछ सवाल है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। कहीं पर विकास का मुद्दा है तो कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो कहीं बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो, शिवसेना हो, हर कोई अपने चुनावी मुद्दे को लेकर अब मैदान में आ चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब चरम पर है और जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, ऐसे में लोग क्या सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शिक्षित वर्ग भी है और तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सबके मन में क्या है और अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। सबसे पहले चाचा, अब की बार किसकी सरकार? शिवसेना भाजपा की सरकार। क्यों? क्योंकि अभी शिवसेना भाजपा सरकार पहले से ही विकास के ऊपर काम कर रही है और इतना बहुत काम किया है उसने कि यही सरकार आएगी तो आगे हमारा सबका भला हो जाएगा। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि सैनिक के ऊपर जो हमला हुआ, जो मोदी ने बस आपने डिसीजन लिया, वो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी सरकार पिछले 5 सालों में विकास की है? विकास थोड़ा पर किया है, थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत किया है, इसलिए फिर से मोदी सरकार चाहिए। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों और कैसे? क्योंकि बहुत से काम किए हैं, भले दिखने में नहीं आ रहे लेकिन बहुत से काम किए हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि विदेश घूम रहा है, लेकिन आज जो हल्ला हुआ उसके बाद पता चल रहा है कि विदेश दौरा क्यों हुआ और उसका महत्व क्या है, ये अभी पता चल गया है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। क्यों और कैसे, क्या लगता है? क्योंकि लोग तो एक तरफ परेशान है महंगाई को लेकर, तरह तरह के एजेंडे लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, ऐसे में क्या लगता है कि अब की बार मोदी सरकार? हाँ, अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं मोदी जी ने कई दौरे किए, उसका रिजल्ट अभी दिखा। जबकि अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे जब पाकिस्तान के साथ इतने बड़े लेवल पे ये चल रहा है, तभी बहुत सारे देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके जो संबंध थे, उन्होंने अपने अपने फॉर्मेलिट कैंसिल की बहुत सारी चीज़ें, उनको टैक्स में भी ये कर दिया है और विकास भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार 101% मोदी सरकार आएगी। हमें देश में मोदी चाहिए और महाराष्ट्र में उद्धव साहब चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उद्धव साहब भी गए थे बीजेपी। राजनीति में सब ये चलता ही रहता है, भले भाई भाई भी बिछड़ जाते बाद में एक साथ आ जाते, तो ये बात है अलग गए थे, लेकिन अभी आए विकास के मुद्दे पे आए, हिंदुत्व के मुद्दे पे एक साथ आए। जैसे कि उन्होंने एक साथ आते टाइम पे बोल दिया है, राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे वो अपना उनका या अपने देश को डेवलपमेंट करने का मुद्दा है, इसके लिए हमें मोदी सरकार चाहिए। और अभी मोदी सरकार ने जो पैर मतलब आगे चल रहे वो लोग, जैसे वो अपना डिफेंस के बाद साथ हो गया, एजुकेशन के टाइम पर हो गया, एम्प्लॉयमेंट का हो गया, ये सभी जगह अगर कहाँ पर देख रहे, जो अपना देश पिछले कुछ साल पहले पीछे था वो अभी आगे जाते जा रहे हैं। बिल्कुल, अब की बार मोदी सरकार जिस तरह से लोग कर रहे हैं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? कौन सी भी सरकार आने दो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली उनके महंगाई है कम करनी चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए उसको, यही। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है ना, अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि सरकार कोई भी आए लेकिन विकास तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, अब की बार किसकी सरकार देखती हैं? सरकार आम्हाला कोणती पण येऊ दे, मोदी येऊ दे, नहीं तो आणि कोणी येणार असेल तो येऊ दे, पण आमच्या लोकांना राशन पाणी मिळत नाही, आमच्या घरात कोणी कमवणार नाही, ह्या रेशन दुकानवाल्याकडे मशीन आहे त्याची मशीन चालत नाही, ती उचला आणि डबरेट टाका। बिल्कुल, सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई दल हो, लेकिन जनता को सिर्फ चाहिए तो विकास चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्यों और कैसे? मोदी सरकार मेरे हिसाब से तो अभी जो हिंदुत्व का मुद्दा है शिवसेना ने भी उठाया था,
तो हिसाब से मेरे को मोदी सरकार ही और विकास का मुद्दा जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है। विकास का मुद्दा उठाया है इसलिए चल रहा है। अब की बार किसकी सरकार है? कांग्रेस सरकार। क्यों कांग्रेस सरकार? इसके लिए कि जो पहले 60 साल में जो भी काम हुए बराबर है, जितनी योजनाएं उन्होंने बनाई है सब योजनाओं का रिकंसिलेशन रीनाम बना के बीजेपी सरकार अपना नाम डाल के उसी योजनाओं को आगे चला रही है। और दूसरी बात, जो भी अपने भेड़ हल्ला हुआ है बराबर, उसमें भेड़ हल्ला में जो भी जवान शहीद हो गए पर उसी टाइम पे उनके यहाँ पे उनकी रैली चल रही थी बराबर। आज प्रधानमंत्री है, खुद वहाँ पे रेलवे का अनावरण कर रहे थे, रेलवे चलाने का, और शाम तक वो रेलवे चली भी नहीं बराबर है। इसलिए अब की बार कांग्रेस सरकार। अब की बार किसकी सरकार? शिवसेना और बीजेपी की सरकार। क्यों, क्या लगता है कि विकास होगा? क्योंकि लगातार जिस तरह से शिवसेना बीजेपी पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही थी, अभी फिर गठबंधन हुआ, तो ऐसे में क्या लगता है विकास होगा? विकास तो है ना, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं, 60 साल में क्या किया कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं किया। इसलिए अभी देखो, 60 साल में कुछ नहीं किया तो कम से कम 5 साल में तो क्या कुछ भी नहीं, 10 साल में तो कुछ कर सकती है शिवसेना बीजेपी। इसके लिए शिवसेना बीजेपी होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, क्या ऐसा विकास आपको लगा? बहुत कुछ हो गया। देखो रोज कितने रोड बन रहे हैं, नए नए रोड बन रहे हैं, कोई कोई जगह बिजली नहीं थी, वो जगह बिजली जा रही है। तो इसके लिए अपने को शिवसेना बीजेपी की सरकार मांगनी जरूरी है। बिल्कुल, विकास के बात की जाए तो विकास का ही सबसे बड़ा एजेंडा, चुनावी एजेंडा भी बना है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों और कैसे? क्योंकि आप 5 साल का ही पूछ रहे हैं, पिछला इतिहास निकालो ना। अब कांग्रेस ने क्या किया है पिछले इतिहास में? वो तभी हमले नहीं हुए थे? नहीं, अभी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अगर बात की जाए तो कहा गया कि जो योजनाएं कांग्रेस ने बनाई थी उसी का नाम चेंज करके बीजेपी ने काम किया है। सरकार चेंज होती तो योजनाएं भी चेंज होती रहेगी, जिसका सरकार है उसका ही नाम रहेगा ना। तुम्हारे जब सरकार थी तभी तुम्हारा नाम था, हम लोग ने विरोध नहीं किया था तभी। अंकल अब की बार किसकी सरकार? मेरे हिसाब से तो बीजेपी बहुत सही है। क्यों, क्या लगता है 5 सालों में जिस तरीके कोई भी मिनिस्टर आए उसको सपोर्ट नहीं है तो वो बेचारा कितना भी करे वो पानी कम चाहिए ही होगा रियल में। क्योंकि जो भी सरकार बैठती है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एक सरकार अच्छी होती ना तो 10 खोदने वाले रहते उसके पीछे बराबर। वो हिसाब से मोदी सरकार ही बैठ। और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं, जानेंगे सबसे, आपसे जानेंगे अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों, जो अभी 5 साल में चल रहे हैं वो पहले नहीं हुआ था। अभी हम लोग को सब अभी जो लगता है महंगाई, लेकिन इसके पहले भी जो सरकार था तभी भी महंगाई होती थी। अभी बारिश नहीं गिर रहा है, वो सरकार का प्रॉब्लम नहीं है, बारिश नहीं गिर रहा है ना, इसके लिए थोड़ा भात सब्जी वगैरह महंगा है। लेकिन हम लोग को अब की बार मोदी सरकार ही मांगते हैं। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों और कैसे? क्योंकि हमको सबको मालूम है यानी कि योजनाएं ये पहले सरकार की ही थी, लेकिन 70 साल में जो उन्होंने कुछ किया नहीं तो वो योजनाएं अभी हमारी देवेंद्र सरकार और मोदी सरकार ने ये सब योजनाओं को आकार दिया है। जो क्लस्टर रोड हो, वो मेट्रो हो, मेट्रो से पहले से ही थी, दिल्ली में तो पहले से ही थी, लेकिन अपने यहाँ कहाँ थी? जब ये 5 साल में जब मोदी सरकार आई उसके बाद मेट्रो इधर चालू हुआ, मेट्रो के काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। नहीं, 2000 अगर बात की जाए 14 से पहले ही मेट्रो का उद्घाटन हो चुका था, जो घाट को ऊपर से वर्सोवा का था, उनका ही था। हम लोग ना बोल ही नहीं रहे, क्योंकि देवेंद्र जी भी बोल रहे हैं ना कि उनकी योजना है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने खाली अपना घरानेशाही के लिए जो लोगों का ये था पैसा वैसा, वो खुद अपने लोगों ने खा लिया और लोगों को देश को भिखारी बनाया। लेकिन अभी मोदी जी आने के बाद लोगों को अभी लग रहा है कि कुछ भी हमारे लिए करेंगे तो वो मोदी जी करेंगे, क्योंकि उनको 125 करोड़ जनता की उनको फिक्र है। बिल्कुल 125 करोड़ जनता की फिक्र है, लेकिन सवाल ये है कि योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाता है? आपसे जानेंगे, क्या लगता है कि जो योजनाएं गवर्नमेंट ने बनाई है वो उसका लाभ आम जनता को मिल पा रहा है? जो योजनाएं गवर्नमेंट ने बनाई है अभी तो इन मोदी जी की सरकार 5 साल हो गए आके, उसका इम्प्लीमेंट लगने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे कि अभी हमारी माता जी ने कहा कि उनको रेशन नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। और अब की बार मोदी सरकार इसलिए कि महाराष्ट्र में उद्धव साहब ने बोला है कि अब की बार मोदी सरकार और उनकी मित्रता क्या होती है ये हम महाराष्ट्र में हम बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना बीजेपी की सीट हम चुन के लाएंगे, और इस आधार पर हम केंद्र में मोदी सरकार जरूर लाएंगे।
लेकिन एक सवाल ये होता है कि जब आप कह रहे हो कि उद्धव साहब ने कहा है कि शिवसेना बीजेपी की सरकार आएगी, जब चुनाव आता है तब युति होती है, और चुनाव जैसे ही खत्म होता है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, तो क्या समझा जाए इसको? नहीं नहीं, चुनाव तो ठीक है, चुनाव के माहौल अलग रहता है और वो माहौल अलग रहता है, लेकिन जो जनता के हित में है वो उद्धव साहब ने कहा है। दो पार्टी है, दो भाई में अगर झगड़ा होता है तो दो पार्टी है, दोनों पार्टी अपना मत आजमाएंगे, अपनी ताकत आजमाएंगे, अपना मत रखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्र के हित में जैसे विकास जरूरी है ना, वैसे सुरक्षा भी जरूरी है, और सुरक्षा दे सकती है शिवसेना और भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल, सुरक्षा दे सकती है। फहीम भाई, बात की जाए, जिस तरीके से योजनाएं लगातार, सुकन्या योजनाएं, घर घर शौचालय योजनाएं, तरह तरह की योजनाएं, क्या लगता है कि देश में इन योजनाओं पर कार्य हो रहा है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? देखा जाए तो बहुत जगह काम हो भी रहा है, और कुछ कुछ जगह पे काम खाली पेपरों पे दिख नहीं रहा है। काम होगा तो उसका हमको स्वागत करना चाहिए। काम होगा तो काम का स्वागत जरूर होगा, लेकिन ऐसे आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मेरे हिसाब से एक बार मनसे को चांस देना चाहिए पब्लिक ने, लेकिन केंद्र में सरकार नहीं बन रही तो हमारा सपोर्ट रहेगा शिवसेना बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार क्यों और कैसे? शिवसेना बीजेपी की सरकार, अकेले बीजेपी की नहीं, बिल्कुल गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार, क्या लगता है गठबंधन की सरकार में काम होता है, विकास काम हो जाता है? अभी तक तो हमारे जो विभाग में है वो सही से काम कर रहे हैं, यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, यहाँ के खासदार है, जो वो सही से काम कर रहे हैं अपने काम, लेकिन एक नया चेहरा भी उन्होंने सामने लाना चाहिए। बस आपसे जानेंगे, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। क्यों, क्या किया है मोदी जी ने? बोलेंगे क्यों क्या, अभी जो जितने भी गांव साइड में सड़क बन रहे हैं, जितने भी मेट्रो के काम फास्ट हो रहे, फास्ट, पहले भले कांग्रेस ने मेट्रो लाई, समझे कि नहीं, कांग्रेस ने मेट्रो लाई लेकिन वो बनने के लिए 8 साल लगा, अभी जो मेट्रो बन रही है वो 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट होने वाली है। पुणे में इधर उधर जैसे समृद्धि महामार्ग है, जैसे हमारे गांव में सोलापुर पंडरपुर हाईवे, सातारा हाईवे, बड़े बड़े रास्ते बन रहे, जैसे ट्रैफिक ने कुछ नहीं, और जैसे मतलब ये कहते हैं कि विकास वाली सरकार चाहिए, विकास वाली सरकार चाहिए, गांव गांव में हर एक को, गरीब को ढाई लाख मिल रहा है घर योजना के लिए, जैसे अपन गरीब है कुछ भी है, हमारे खुद मेरे नाते को 2.5 लाख का पैसा मिला है। सब आपसे जानेंगे, अब की बार किसकी सरकार? ऑफकोर्स बीजेपी। क्यों? फॉर बेटर फ्यूचर्स, अपने नए जनरेशन के बहुत एडवांटेज है, बच्चे के फ्यूचर के हिसाब से तो बीजेपी सरकार अच्छा है, एक चांस देना चाहिए, 5 साल में बहुत सारे काम किए अच्छे। बिल्कुल, सरकार कोई भी आए लेकिन जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए जो भी योजनाएं हो वो धरातल पर काम हो, लोगों को उसका लाभ मिल चले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। Yeah!
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अब की बार किसकी सरकार में। अब की बार किसकी सरकार में तमाम महिलाएं और पुरुष सब हमारे साथ मौजूद हैं और सबके जहन में यही है कि सरकार कोई भी आए लेकिन विकास जो करे वही सरकार चाहिए। आपसे जानेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार। क्यों, क्या किया है इन 5 सालों में मोदी जी? क्योंकि लगातार GST नोटबंदी से लोग एक तरफ परेशान थे, ऐसे में क्या लगता है कि अब जो है अब की बार मोदी सरकार? कई बार लोग नाराज़ हुए थे मोदी सरकार पर जो उन्होंने किया है वो लोगों के अच्छाई के लिए किया है और आगे बढ़ के जो भी करेंगे वो लोगों की भलाई के लिए करेंगे। भले लोगों को लेट समझ में आया लेकिन अभी आ गया है समझ में, तो अब की बार मोदी सरकार। क्यों, लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर किए जा रहे हैं, ऐसे में लगता है कि 2019 में फिर से मोदी सरकार आएगी? अभी आएंगे, अभी सब पे वोटिंग पे डिपेंड है, सबके माइंड पे डिपेंड है कि किसको वोट देंगे, किसका सरकार आएगा और आगे बढ़ के क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा, सबको जो भी होगा अच्छा होगा, सबका साथ सबका विकास का नारा पहले ही BJP गवर्नमेंट ने दिया था, ऐसे ही तमाम। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? क्या लगता है क्यों, क्यों मोदी सरकार? उन्होंने क्या किया है 5 साल में? क्या अभी क्या है तो दिखता है, दिखाई देता है ना। क्या किया है बता, क्या क्या है? अभी तो नोटाबंदी हो गई, सब हो गया, तो अभी जब सब कुछ मिलेगा तो मोदी सरकार ही आएगा ना, नहीं तो नहीं। अभी तो क्या कुछ मिलता भी नहीं इधर जो है वो। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ऐसे ही तमाम और भी लोग हैं। आपसे जानेंगे, आपसे एक बार ये फिर जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि मोदी सरकार विकास के लिए, शिवसेना BJP की सरकार, ऐसे में जिस तरह से मुद्दे आज देश में चल रहे हैं उसको लेकर क्या लगता है कि 2019 में किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार ही आएगी और मोदी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि 60 साल कांग्रेस को देख के देखा क्या किया, 5 साल में क्या कर सकते फिर? 60 साल में जो कुछ नहीं कर सके वो 5 साल में आप अपेक्षा रख रहे हो कि इतना सब करे, उसके लिए 10-20 साल तो देना चाहिए। बिल्कुल, 60 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या होगा, ऐसे में तमाम सवाल को लेकर खड़े। अब की बार किसकी सरकार? मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपकी सरकार चुनने देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से एक तरह का माहौल उन्होंने पैदा किया हुआ है अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने स्कूल में इतनी अच्छी तरीके से सब काम किया हुआ है, स्विमिंग पूल ये सब चीज़ें की हुई है, अपने आप पे म्यूनसिपलिटी स्कूल है, इतने सालों से पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार में भी वही हुआ, BJP और शिवसेना की सरकार में भी वही हुआ, अभी तो वो वैसे ही पड़ी रहती है, वहाँ पे कोई देखने के लिए जाता नहीं है, वहाँ के लोग प्राइवेट स्कूलों में डाला कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल से लोग निकाल रहे हैं और वो गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कर रहे हैं, और देखा जाए तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे डेवलप किया हुआ है और सबको घर घर में जाके राशन दिया जा रहा है। अभी इन्होंने एक चीज़ कही कि वो राशन कार्ड पे यहाँ पे ये सब हम लोग को मिलता नहीं है, ये सब जाना पड़ता है, उनको भागना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों के घर घर में जाके वो सब चीज़ें देने का सब व्यवस्था कर ली है। तो इस तरह की सरकार अपने को हर एक को चाहिए। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि आप एजुकेशन के मामले में पहली से लेके आपको 12वीं तक टोटल एजुकेशन और बुक्स वगैरह वहाँ पे टोटल फ्री दिया जा रहा है। उसके बाद में अगर उसको एजुकेशन करना है तो उसके लिए सरकार की तरफ से उनको 10 लाख बिना किसी जो कोई होगा जो कोई चीज़ होगी घर की बिना गारंटी के रखे वो सब चीज़ें उन्होंने सब दी हुई है सरकार ने। मतलब मेरे हिसाब से आप सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से पिछले 60 सालों से लेके अभी के 5 साल और बीच के 5 साल के इन्होंने जितना काम किया ने उससे कहीं बेहतर किया हुआ है, और शायद से आगे भी लोगों के सोच में ये फर्क पड़ना चाहिए। राजेश जी, ये 60 साल का जो मामला है वो काफी पेचीदा है, क्योंकि हर किसी के जहन में यही है कि 60 सालों में क्या हुआ और 5 साल में क्या होगा, आने वाले समय में कुछ समय और देना चाहिए। क्या लगता है इन 60 सालों का मामला क्या है, आपको बताएंगे जनता को? 60 साल जो बोला जा रहा है ना, अभी इतने साल से अभी आज के ज़माने में आज देख रहे अपन मोबाइल आ गए, बराबर है, मोबाइल में स्मार्टफोन आ गए, एंड्रॉयड आ गए, किसके ज़माने में आए, और आज के ज़माने में आज देखा जाए जो अपनी गाड़ियाँ जो भी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चालू है उसमें जो भी विषय ले रहे हैं अपन 60 साल के बारे में, जितने साल में जो सब योजनाएँ बना गई, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था योजनाएँ बनाई गई, उसका मुआ सिर्फ इतना ही हुआ, पब्लिसिटी करने में थोड़ा कम गिर गए, यहाँ पे पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, काम कम पब्लिसिटी ज़्यादा, बराबर। उससे अच्छा मेरा यही मानना है वापस अगर कांग्रेस सरकार आए वापस वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी और अपना काम चालू रखेगी। कांग्रेस इम्प्लीमेंट करेगी जी,
अभी राजू भाई ने बोला कि 60 साल में बहुत सी योजनाएं इन्होंने गिनाई, लेकिन 60 साल में ये खुद राजीव गांधी जी ने बोला था कि जो मैं 100 रुपया देता हूँ गरीब के लिए, उसमें 1 रुपया भी उसके नसीब में नहीं होता। तो ये जो सब भ्रष्टाचार है ना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जो मोदी साहब ने अभी शुरू की है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गरीबों के तबके तक कैसा जाए, इसके लिए उनकी सब योजनाएं तैयार है। और 60 साल के मुकाबले अगर हम 5 साल का सोचेंगे तो ये तो कोई मायने नहीं रखता। फिर भी उनका जुनून, उनका जोश और राष्ट्र के प्रति उनकी जो भावना है, विकास और सुरक्षा, ये आगे लेकर वो बढ़ना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से जितनी जनता है उनके दिलों में भी यही बात है कि और एक बार हम मोदी सरकार को जरूर चुन के देंगे। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने जिस तरह से बात की भ्रष्टाचार की, वो उसके बारे में दो शब्द में अरविंद केजरीवाल के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था दिल्ली सरकार को कि अगर सौ दिन को उनको CBI दी जाए तो वो शीला दीक्षित जो है उनको वो पहले अंदर डालेंगे। लेकिन मोदी सरकार और शिवसेना की सरकार जो वहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन उन्होंने वो जो हक है उनका संविधान का हत्या ही कर दिए वहाँ पे। वो उन्होंने राइट्स ही निकाल दिया, जिले के हाथ उनके पूरे बांध दिए, इसीलिए वो आगे कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए महागठबंधन में वो जाने का डिसाइड किया था उन्होंने। तो वो मेरे हिसाब से वो जो भ्रष्टाचार के तो नहीं जाएंगे महागठबंधन में, अभी वो देखते हैं। अभी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो कमेटी है। मैं पॉलिटिकली ये नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका जिस तरह से काम किया हुआ है लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। मैं सोशल नेटवर्क के माध्यम से वो पहुँचाता हूँ। और अभी आपने जो मेरे को संधि दी यहाँ पे, वो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, आपसे जानेंगे क्या लगता है कि भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जो नियम थे, CBI, ये तमाम चीज़ों, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार को आज 5 साल होने आए हैं। आप देखोगे कि रेशन कार्ड से लेके दवाई या शिक्षण हो, बाकी सब सरकारी योजना हो, आज सिंगल विंडो योजना बनाई गई। इसका पीछे का राज यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश हो, क्योंकि ऑनलाइन जहाँ पे ऑनलाइन जो भी सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पे भ्रष्टाचार कम होता है। और ऑनलाइन होने से 90% भ्रष्टाचार देश से कम हुआ है और उसमें मोदी सरकार सफल हो गई है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के ऊपर उनका उत्तर है, मोदी जी उत्तर दे। भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है क्या भारत? क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि वन विंडो होने से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए अभी हमारे जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था। उसके ऊपर जैसे अभी हमारे एक दोस्त है, उन्होंने अभी बताया, जैसे CBI का कामकाज देखा गया, वहाँ से उनका अथॉरिटी उठा लिया गया, वैसे ही यहाँ पे भी पूरे CBI को बांध दिया गया। उसके वजह से मुद्दा आगे नहीं आ पाया। और हम लोग तो यही चाहते हैं, हमारे जो 15 लाख आने वाले थे वो जल्दी आ जावे, तो हम मानते हैं मोदी सरकार। बिल्कुल, 15 लाख आने वाले थे क्योंकि चुनाव के पहले ये कहा गया था। लेकिन सवाल ये भी है कि अमित शाह जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी होती रहती है, ये एक तरह से जुमला था। 15 लाख का जो मामला है, आज भी लोगों के मन में वो सवाल जरूर है कि 15 लाख कब आएगा? 15 लाख ये उन्होंने बोला ही नहीं था, ये खाली लोग जो हमारे विरोध में, मैडम मैनिफेस्टो में था, चुनाव प्रचार की जो प्रणाली बनती उसमें था कि 15 लाख जो है गरीब जनधन योजना इसी के लिए शुरू की गई थी। जनधन योजना में अभी सब जो हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन गांव में जो है जनधन योजना में अभी लोगों के खाते में पैसा जाने लगा है। जो विकास पत्र जो मोदी जी ने बोला था विकास पत्र करके, ये खाली ये लोगों ने खाली उसका नाम अलग से करके मोदी जी को बदनाम करने का ये सब कट कारस्थान है। क्योंकि मोदी जी ये ऐसे व्यक्ति है जिनके पास ना कोई खुद का बोलेंगे तो वो प्रधान सेवक के रूप में, जैसे कांग्रेस के लोग अपने लोगों के लिए ही सब बटोरने लगे हैं, वैसे मोदी जी नहीं है। वो उनका खाली देश के लिए वो कर रहे हैं। चलिए अगर बात की जाए तो यही हर पार्टी का सदस्य यही कहता है कि हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी पार्टी जो है लोगों के लिए विकास करेगी। क्योंकि चुनाव आते हैं तो तरह तरह के जो वादे किए जाते हैं, क्या लगता है 15 लाख का जो वादा है वो पूरा हुआ? क्योंकि अभी यहाँ पर यह भी कहा गया कि मोदी जी अब धीरे धीरे दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुका है। ऐसे में योजनाएँ जो है बड़ी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास कर रहे हैं, योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको कि 15 लाख और ये सब तो ठीक है, तो अमित शाह जी ने भी बोल दिया क्या बात है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि काम धरातल पे दिखना चाहिए, काम धरातल पे दिखना चाहिए।
मैं इस इलाके में नहीं रहता हूँ, मेरा इलाका हम कहीं और रहते हैं, हम तो आपका ये शो देखे तो खड़े हो गए यहाँ पे आके। हमारे इलाके में आज की तारीख में जो एक योजना थी, जो शौचालय बनाने की योजना, गांव देहात में लोग पक्की शौचालय बना के दे रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे इलाके में आज भी 10 से 15 टॉयलेट बने हैं, 15-16 सीटर टॉयलेट है, जिसके दरवाजे आज भी नहीं है। वहाँ की औरतें महिलाएँ पर्दे को पकड़ के टॉयलेट में बैठती है। अब आप खुद समझ लीजिए कितना काम हुआ है। बिल्कुल, एक तरफ तो मोदी जी ने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ ये कहा है घर घर जो है शौचालय योजना भी शुरुआत की गई थी, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती है और ऐसे में अंधेरी इलाके के अंबोली में जिस तरह से बताया गया कि वहां पर महिलाओं के लिए टॉयलेट तो बने हैं लेकिन उसमें दरवाजे नहीं हैं। विकास का जो मुद्दा है वो लेकर लोग परेशान। मैडम जानना चाहेंगे क्या भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है भारत? वन विंडो जो बनाया गया उससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाम लगी है? पूरी तरह से तो नहीं लगी है, लेकिन अच्छे से जो सोचा जाए तो मेरे ख्याल से लग चुकी है, लग चुकी है। मौसी जानना चाहेंगे क्या लगता है योजनाएं मिलती हैं, जो योजनाएं सरकार बनाती है उसका लाभ आम जनता को मिलता है? हाँ, नहीं मिलता। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम और भी लोग हैं, लोगों के जहन में सवाल तो है लेकिन हर कोई ये चाहता है कि आखिर कैसे। आपसे जानना चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? की बार मोदी सरकार। क्यों, क्या किया है 5 सालों में मोदी जी ने? नहीं, बहुत सारी चीज़ें की हुई है उन्होंने, सबके ध्यान में नहीं आया तब तक। आप जैसे बोले पहले कि नोटबंदी भी किया उन्होंने, अच्छी चीज़ों के लिए किया गया था, पर उसके ऊपर अंकुश नहीं बैठ पाया बराबर से। ठीक है, किसी किधर किधर उनकी गलतियाँ हो चुकी है, बट वो ऐसा नहीं कि उनका काम कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ उनकी गलतियाँ देख रहे हैं, और उनके काम के ऊपर किसी ने ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों के ऊपर। हर बार भारत के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें कैसे हो सके, किसके पास कैसे कैसे पहुंच सके, वो सारी चीज़ें कर रहे, बट वो 5 सालों में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, इसलिए उनको थोड़ा चांस और देना चाहिए। अब की बार नहीं, बार बार मोदी सरकार जी। क्या लगता है कि अगर दोबारा चांस दिया जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत? भ्रष्टाचार मुक्त 5 साल में ही नहीं होगा, उसके लिए टाइम तो देना चाहिए ना पब्लिक को, पब्लिक टाइम देना चाहिए तभी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। बिल्कुल, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? केंद्र में मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार सिवाय अपना कश्मीर बचेगा नहीं। जो अगर कांग्रेस सरकार रहती थी तो अभी तक पूरा कश्मीर खत्म हो जाता था अपने मुल्क से करके। अपने को केंद्र में मोदी सरकार चाहिए, और जिस तरीके जी महाराष्ट्र में शिवसेना। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में और पूरे देश की अगर हम बात करें तो हर कोई किसी के जहन में एक ही सवाल है, चाहे जिसकी सरकार हो विकास होने चाहिए, क्योंकि विकास जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको विकास चाहिए, उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उनसे उनको राहत कैसे मिले, ऐसी तमाम योजनाओं का अनावरण होता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का कहना है कि सरकार ठीक है योजनाएँ अच्छी हैं लेकिन विकास कैसे हो, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, और विकास के नाम पर ही जनता सरकार चुनती है, और इसलिए चुनती है कि ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं, वो उनकी समस्याओं से उनको निजात दिला सके। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।